अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद आदरणीय जानी के शहर अध्यक्ष साहब और यहाँ आए हुए सभी माए बहने और बिलखसूस मेरे दिव्यांग भाई, आज मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया हूँ, बस ये बताने के लिए आया हूँ कि मोदी सरकार को आगे 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में जो हम लोगों पे बीती है दिव्यांगों पे, पहले हमें विकलांग कहा जाता था, लेकिन 3 दिसंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें एक नाम दिया दिव्यांग, यानी देव का दिया। लेकिन आज वही देव के दिए को अगर कोई दिव्यांग अगर समाज कल्याण से 1.5 लाख रुपए लेता है, बस 1.5 लाख रुपए लोन, तो उसके घर पर बैंक वाले 10 चक्कर मारते हैं। लेकिन अगर कोई अडानी अंबानी जैसा आदमी 1.5 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है तो उसका कर्ज माफ हो जाता है। ये सरकार दिव्यांगों के साथ, दिव्यांग नाम तो दे दिया है लेकिन दिव्यांगों के साथ जो अन्याय कर रही है, जो जो योजनाएं UPM 1 में UPM 2 में जो हमारे श्रीमती सोनिया जी गांधी, जो आज आप बैनर पे फोटो देख रहे हैं, हमारे फैलाती खातून जिन्हें हम सब इंदिरा गांधी कहते थे, इंदिरा गांधी जी ने हमें जो संजय गांधी योजना दिया, जो जो लाभ हमने दिया था, वो 10 साल में ये गवर्नमेंट खत्म कर दी जा रही है। तो मैं सभी मेरा जानने के सभी माँ बहने मेरे खुद मेरे दिव्यांग भाइयों को और जो मेरा दिव्यांग जो जो नॉर्मल है उनको मैं हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ कि हम दिव्यांगों के लिए, हम दिव्यांगों के लिए आप कल्याण पहले साहब को चुनके ला के दे, ताकि जब हमारे इस देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जब हमारे राहुल जी गांधी देश को प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम दिव्यांगों के लिए भी जो योजनाएं बंद की गई है वो फिर से चालू करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो तो राहुल जी कल्याण कार्य जिंदाबाद, आज जो तो जब भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई थी तो राहुल जी ने खुद ये कहा था कि जब सरकार आएगी तो सबसे पहले दिव्यांगों को न्याय देने का काम किया जाएगा। आपने 2024 का मैंने फैसले पहले में आपके पास आ गया, अगर नहीं आया तो चादर जिले के सारे से मैंने फैसले ले सकते हैं, उसमें आप और लोगों में जो राहुल जी ने जो वादा किया है वो इंशाल्लाह जरूर पूरा किया जाएगा। फिर से आप सभी से एक बार यही नम्र विनती करता हूँ कि कठिन तादाद में एक नंबर का बटन दबाओगे कल्याण कार्य साहब को कामयाब कीजिए, यही मैं कहता हूँ। और जो हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है कि दिव्यांगों का एक ही सपना राहुल जी बने पीएम अपना, और इंशाल्लाह ये तभी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, अल्लाह हाफिज़।